गाइस, दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। 90s के किड्स का सुपर हीरो कौन था? शक्तिमान, जो बेहद पसंदीदा शोज में से एक था, जिस पर मुकेश खन्ना एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो वहीं बीच में खबरों का बाजार यूं गर्म था कि शक्तिमान कौन बनेगा, तब बॉलीवुड के एनर्जेटिक किंग रणवीर सिंह का नाम सामने आया था। पर अब इस बात पर मुकेश खन्ना ने आपत्ति जताई है। दरअसल शक्तिमान को भारत का पहला सुपर हीरो कहा जाता है, और बीच में आ रही खबरों की माने तो रणवीर सिंह शक्तिमान का किरदार प्ले करने वाले थे। अब इस पर मुकेश खन्ना ने कहा, रणवीर सिंह की स्टार पावर के बावजूद वो कभी भी शक्तिमान नहीं बन सकते। रणवीर के न्यूड फोटोशूट को उन्होंने बचकाना और शक्तिमान के रोल के लिए उन्हें गलत बताया है। ओ नो, इस खुलासे ने तो रणवीर के फैंस के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी, शक्तिमान नाम से एक पिक्चर तो बनने जा रही है, जिसमें रणवीर सिंह का नाम भी काफी उछला था, पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। तभी एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने इस फिल्म को लेकर चल रही कास्टिंग की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा, रणवीर सिंह बिल्कुल नहीं, शाहरुख खान, रणवीर सिंह समेत कुछ स्टार्स का भी जिक्र किया गया। इसी बातचीत में मुकेश ने कहा कि वो मौजूदा अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस भी स्टार की दर्शकों के बीच खास छवि हो, उसे इस फिल्म के लिए कास्ट नहीं किया जाना चाहिए। अपनी बात को पूरा करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा, शक्तिमान के रोल के लिए ना तो शाहरुख खान, ना अजय देवगन, ना अक्षय कुमार और ना ही टाइगर श्रॉफ सही है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी पहले से ऑडियंस के बीच एक छवि है, और शक्तिमान के लिए किसी नए स्टार को कास्ट किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि ओरिजिनल शो के बाद इसी किरदार पर स्टार इंडिया के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने बताया, मैंने उस समय उनसे कहा कि ये आपका लॉस है, मेरा नहीं। अब लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर जब कोई भी स्टार फाइनल नहीं किया गया और इसमें मुकेश खन्ना किसी नए चेहरे की तलाश में लगे हुए हैं, तो अब सवाल यही है कि कौन होगा हमारा शक्ति शक्ति शक्तिमान। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म 2025 तक रिलीज हो सकती है, पर जब एक्टर ही फाइनल नहीं हुआ तो फिल्म कब रिलीज होगी ये कहना भी मुश्किल ही है अभी। वैसे कौन सा स्टार किड आपको लगता है कि फाइनल हो सकता है, या कोई ऐसा चेहरा आएगा सामने जिसको देखने के बाद आपके मुंह से निकलेगा वाओ, माय शक्तिमान इज बैक? क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।